उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल हादसे पर 6 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की गई है। उत्तराखंड सरकार ने टनल हादसे की जांच के लिए टीम गठित की है। टीम जांच के दौरान हादसे के कारणों का पता लगाएगी। वहीं उत्तरकाशी सुरंग दुर्घटना के बाद बचाव अभियान अभी भी जारी है। सुरंग का एक हिस्सा टूटने और मलबा गिरने से 40 मजदूर टनल के अंदर फंसे हुए हैं। प्रभावित जो परिवार के परिजन हैं, उन सबसे भी मैंने बात की है। जो श्रमिक भाई अंदर हैं, उनके पारिवारिक जनों से भी बात हुई है। सभी वहाँ पर कुशल हैं और जो ह्यूम पाइप इत्यादि हैं, टेक्निकल टीम उसको असेंबल्ड करने में लग गई है। और जो भी समय लगेगा, जल्द से जल्दी जो है कुशलता, उनकी कुशलता से बाहर आ जाएं, इसी काम में हम सब लोग लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि अभी सभी सकुशल हैं और लगातार उनको भोजन सामग्री और पानी और साथ में ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। सभी लोग लगातार उस पर नजर बनाए हुए हैं। दरअसल दीपावली के दिन उत्तरकाशी में बड़ा हादसा हुआ। चार धाम परियोजना के तहत निर्माणाधीन सिलक्यारा पोल गांव सुरंग में पिछले 50 घंटे से अधिक का समय गुजर चुका है, लेकिन अभी भी यहां पर राहत बचाव कार्य जारी है। 40 श्रमिकों की जिंदगी इस टनल के अंदर कैद है। इन श्रमिकों को निकालने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। देहरादून से ऑगर ड्रिलिंग मशीन रात 3 बजे पहुंची। इस मशीन को स्थापित करने का कार्य चल रहा है। श्रमिकों को निकालने के लिए हरिद्वार से 900 mm के पाइप भी मंगवाए गए हैं। टनल में फंसे मजदूरों तक मंगलवार तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। नहीं, भारत सरकार से लगातार बात हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं सारी घटना को नज़दीक से देख रहे हैं, जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और जहां भी जिनको निर्देश होने हैं वहां से हो चुके हैं। और हमने ये भी कहा है कि चूंकि टनलों का काम हमारे उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा है, जगह जगह पर टनल बन रही है, इसलिए निकट भविष्य में हम जितनी भी टनल बन रही है उनकी भी सभी की समीक्षा करेंगे। एक बार की सभी टनलें किस प्रकार से सुरक्षित तरीके से आगे भी जो है उन पर काम चले और सुरक्षित तरीके से उनका निर्माण हो, क्योंकि आने वाले समय में ये चुनौतियां हमारे सामने आनी भी हैं और कभी इस प्रकार की घटना होती तो उसके लिए भी त्वरित रूप से जल्दी सहायता मिल जाए, जल्दी से जल्दी उनका समाधान हो। वहीं इस हादसे को लेकर राज्य आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत कुमार सिन्हा ने कहा था कि प्रेशर के कारण हिस्सा ढहा है, हमारी प्राथमिकता है कि लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए, लेकिन अभी भी कई घंटे गुजरने के बाद मजदूर अंदर फंसे हुए हैं। पाइप से ही उन्हें ऑक्सीजन और अन्य चीज़ों को सप्लाई किया जा रहा है, लेकिन अब देखना यह है कि मजदूरों को बाहर कब तक निकाला जाता है। नीतू गौरकेला, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी।